दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे। बात हो रही है उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएस जो रिजल्ट आया है। कई सारे ऐसे रिजल्ट आए हैं जो गरीब घरों के हैं, जो कमजोर परिवार आर्थिक स्थिति से आते हैं। कई ऐसे हैं जो पहली बार अधिकारी बने हैं, लेकिन उसी में कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो काफी आनंदित कर रही हैं। आज जो खबर है हमारे सामने, अशोक यादव मथुरा कोतवाली में कांस्टेबल हैं, उनके दोनों बेटे जो जुड़वा हैं मोहित और रोहित, दोनों ने कामयाबी हासिल की है और यही खबर चर्चा में है। कांस्टेबल अशोक की खुशियां दुगनी हो गई हैं, उनके दोनों जुड़वा बेटे मोहित और रोहित एसडीएम और नायब तहसीलदार बन गए हैं। खबर यही है और खबर उत्तर प्रदेश की है। फिरोजाबाद के रहने वाले अशोक यादव इन दिनों मथुरा कोतवाली में कांस्टेबल हैं, लेकिन उनके दोनों बेटे मोहित एसडीएम बन गए हैं और रोहित नायब तहसीलदार। रिजल्ट आने के बाद तमाम खबरों पर हमारी नजरें बनी रहीं, लेकिन जैसा हमने आपको लगातार आईपीएस आईएएस पीसीएस रिजल्ट के परिणाम के बारे में और साथ ही साथ कुछ खबरों के बारे में दिखाने का प्रयास किया है, उसी के तहत आज हम आपको दिखा रहे हैं कि अशोक यादव के दोनों बेटे जुड़वा हैं, दोनों जुड़वा बेटे नायब तहसीलदार और एसडीएम बन गए हैं। दोनों का सपना भी एक जैसा ही है। दोनों ने एक अखबार को इंटरव्यू में बताया है कि दोनों चाहते हैं कि वाईएस बने और वो तैयारी करते रहेंगे। उन्होंने पहले प्रयास भी किया था, लेकिन पहले प्रयास में दोनों को सफलता नहीं मिली, लेकिन अब वही बात है, जहां चाहा वही रहा। इन दोनों की चाहत बनी रही और राह भी निकल आया है। बड़ा बेटा मोहित जो है वो एसडीएम है और रोहित जो है वो नायब तहसीलदार है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के रोजगार के हालात हैं, ऐसे में ये तमाम नौकरियां काफी सुकून देती हैं ऐसे परिजनों को, ऐसे लोगों को जो नौकरी की तलाश में होते हैं। लेकिन अशोक यादव दरअसल कांस्टेबल हैं, इसलिए उनकी मेहनत रंग लाई है। अक्सर आपने सुना होगा, कई बार यह भी सुनने को मिलता है कि पुलिस के जो परिवार में लोग होते हैं वो कई बार सफल नहीं होते हैं। अमूमन माना जाता है कि वहाँ परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं। ऐसे दौर में एक कांस्टेबल का बेटा अगर एसडीएम और नायब तहसीलदार बनता है तो काफ़ी सुखद खबर होती है, सकारात्मक खबर होती है। उत्तर प्रदेश के अशोक यादव ने कमाल कर दिखाया है, इनके दोनों बेटे सफल हुए हैं, उनको बधाइयों का तांता लगा हुआ है। लेकिन खबर यही है कि मथुरा से ये खबर सुखद है। फिरोजाबाद में भले ही गांव हो, लेकिन पूरे भारत में चर्चा हो रही है कि कांस्टेबल के बेटे सफल हुए हैं, दोनों जुड़वा हैं। और बड़ी बात यह है, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक कांस्टेबल की बेटी डीएसपी बन के जाती है आंध्र प्रदेश में और अपने पिता को सैल्यूट मारती है। पिता की तरफ से दोनों बेटों को, अशोक यादव को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। ऐसे होनहार जवानों को, ऐसे होनहार युवाओं को आगे बढ़ने की जरूरत है, जो परिवार के लिए बोझ न बने, परिवार उनके लिए बोझ न बने और समाज को वो एक रास्ता दिखाएं, सकारात्मक दिखाएं, युवाओं के लिए काम आए। यही हमारी शुभकामनाएं हैं, ये हमारी बधाइयां हैं। दोस्तों ये खबर पूरे भारत में चर्चित है और आज इस पर खूब चर्चा हो रही है। आप देख रहे हैं पोल टॉक। लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जय हिंद, जय भारत।